एग्जाम्पल की मान लो कई बार माँ बाप बोलते हैं ना, बेटा टाइम वेस्ट ना करना, वो बोलता है पप्पा आपके जैसा ही टाइम मैनेज करता हूं मैं, एग्जैक्टली आपके जैसा, यू डोंट वेस्ट टाइम आई डोंट वेस्ट टाइम, है ना। तो बच्चे सुने ना सुने बट बच्चे देखते जरूर है, फॉलो जरूर करते हैं आपको। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते वक्त लेट अस हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लाउज फॉर दिस वंडरफुल लेडी ऑन योर स्क्रीन, पूनम सावंत मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए। ओके, बहुत 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 बधाई हो पूनम जी। पूनम मैम ने दुबई में अपना पहला पॉजिटिव पेरेंटिंग का सेशन लिया। यस, तो फिर से एक बार जोरदार ताली पूनम मैम के लिए। जो बाकी लोग हैं वो डुप्लीकेट वाली ये ताली बजा सकते हैं, इमोजी वाली, है ना, जो मेरे स्क्रीन पे दिख रही। तो बहुत 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 बधाई पूनम मैम। एंड मैं आपका एक्सपीरियंस, अगर आप इफ यू आर ओके प्लीज शेयर कीजिए 1-2 मिनट में। यस, तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। थैंक यू। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको फॉलो कर रही थी काफ़ी टाइम से, आपके साथ हूँ, आपकी आप मेरे मेंटर हो, तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा एज अ पेरेंट, एज अ पेरेंटिंग मेंटर और एज अ गुरु। मैंने बहुत कुछ सीखा है सर आपसे, तो मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, जिन जिन पेरेंट्स के, काफ़ी टीनेजर्स के लिए था सर, स्पेसिफिकली टॉडलर्स के लिए नहीं था ये वेबिनार। हमारे इधर के लोकल कम्युनिटी में सब लेडीज थे और एक चार मेंस भी थे, तो दे हैड सर्टेन क्वेरीज, मैं उनको आंसर कर पाई और वो बहुत खुश थे। और अब नेक्स्ट थर्सडे को सेकेंड वेबिनार रखने के लिए बोला है एज अ फॉलो अप, और उनके टीनेजर्स के लिए भी एक रखने के लिए बोला सर, उनसे बात करना है उनको, दे वॉन्ट मी टू स्पीक टू देयर टीनेजर्स एंड दे वेरी हैप्पी विद दी सजेशंस, द हेल्प दैट दे हैव रिसीव्ड। सर सुनाई नहीं दे, थैंक वंडरफुल वंडरफुल, लेट्स यू सर, अप्रिशिएट। फिर से एक बार जोरदार ताली थैंक हो जाए, यू। है ना। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पूनम मैम हमारे साथ जुड़ी है पिछले 2 महीने से, शी इज अ पेरेंटिंग कोच, अपना सर्टिफिकेशन पूरा कर चुकी है। एंड यस, लेट मी शो यू कि क्या हुआ है। तो मान लो हम यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हैव अ लुक। तो दोस्तों देवी और सज्जनों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि किस तरीके से, ये वाला छोड़ो, लोग मुझे क्रेडिट देते हैं ऐसे ही दे देते हैं, मन के बड़े होते हैं ना, तो दे गिव मी क्रेडिट, बट आई विल टेल यू, हैव अ लुक, है ना, वेरी ब्यूटीफुल एंड यू नो इन्फॉर्मेटिव सेशन, वुड वेट फॉर फ्यू मोर सेशंस, है ना। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। आगे क्या लिखा है, वाओ, थैंक्स पूनम जी एंड ऑल, लव यू, हाय पूनम, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन, मेनी थिंग्स लर्न, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, लव यू, हग्स, वंडरफुल, वाह वाह, ऑल आर योर फैंस, क्या बात है, ये ले लो। अब ये महिला है ना, ये वाली इमोजी जरा ज्यादा यूज करती है, पुरुषों में ये देखे नहीं जाते, बट लव यू, हग्स एंड ये फ्लाइंग किसेस वगैरह ये चलते हैं महिलाओं में। बट लेट मी टेल यू, पूनम कहूंगा मैं आपको, पूनम मैम वगैरह नहीं कहूंगा, आप मेरी हाँ शिष्या सर, हो। हाँ सर, एंड आई फील प्राउड ऑफ सच मोमेंट्स, आई फील प्राउड जब कोई इसको ना सच में सीख के इसका कुछ कर रहा है आगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ बताना चाहूंगा, दिस इज समथिंग जिससे आप, पहली बात इससे आप ना लोगों की मदद कर सकते हो, थैंक यू कमा सकते हो, पहला वाला। यस दूसरी बात, यू ऑल कैन, तो यस पूनम मैम थैंक यू, मैं आपको मुक्त करता हूँ स्क्रीन से। यस थैंक यू। तो जरूरी होता है एक स्पीकर के लिए कि स्पॉटलाइट खुद पे रखे, है ना, स्पॉटलाइट खुद पे रखे ताकि सबको वो दिखे भी। बट बहुत अच्छा लगता है जब आप, और ये एक ऐसा फील्ड है, ध्यान से सुनना दोस्तों, दुबई का तो मुझे नहीं पता क्या हालत है,
इंडिया में 14 लाख पेरेंटिंग कोचेस करियर काउंसलर्स की जरूरत है पार्ट वन, क्योंकि वी हैव 52 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स या फिर 20 साल से कम उम्र के बच्चे, 21 से कम उम्र के बच्चे हमारे पास 52.6 करोड़ है इंडिया में। अमेजिंग, ह्यूज नंबर। अब उनको कौन सिखाएगा, आप और मैं नहीं तो कौन सिखाएगा? और मेरी खुद की कुछ मर्यादा है, क्या कहते हैं, लिमिटेशंस है ना, मैं अकेला कहां तक जाऊंगा, कितना सिखाऊंगा? तो सब मिलके सिखाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। एंड आई विल टेल यू, अगर आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको लोगों के थैंक यू कमाना अच्छा लगता है तो ये प्रोफेशन है आपके लिए। अगर आपको थैंक यू के साथ साथ सेवा करनी है, एक फील गुड फीलिंग लेना है, ये प्रोफेशन है आपके लिए। अगर आपको थैंक यू के साथ, वो फील गुड फीलिंग के साथ पैसा भी कमाना है, तो भी ये प्रोफेशन है आपके लिए। तो चाहे जो आपका थॉट प्रोसेस हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो थॉट प्रोसेस हो, लेट अस कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। यस, तो अगर आप में से कोई चाहता है तो ये प्लीज करे। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरे वीडियो आपकी धरोहर है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। आप चाहे तो आपका अपना ब्रांड नेम लगा के खंडेलवाल्स पेरेंटिंग कंसल्टेंसी, दीपास पेरेंटिंग कंसल्टेंसी, टोटलास पेरेंटिंग कंसल्टेंसी, सारडास पेरेंटिंग कंसल्टेंसी, अंजू शर्माज पेरेंटिंग कोचिंग, या फिर और कौन है यहाँ पे, कई सारे लोग हैं, अर्चनास, डॉक्टर मेघास, ठक्कर्स एंड एवरीवन, निकम्स, लोडास एंड सो मेनी अदर्स, जो आपको करना है करे, ये सब आपका है ना। बट एक रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज 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 सिंसियर रहे अपनी स्टडी में और सिंसियर रहे गिविंग में, है ना। ये तो डिपेंड करता है, देखो लोग तो यहाँ पे ना कोका कोला बेच रहे है ना, बर्गर्स बेच रहे, फास्ट फूड बेच रहे, कुरकुरे बेच रहे है ना, तो हम भी तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या ना, हमारा प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी का है, सोशल नीड भी है, या ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिंसियरिटी से स्टडी करें, सिंसियरिटी के साथ स्टडी करें और आगे बढ़े। यस और यस, शॉप हैंड्स, ओके। अब मैं आपको ये क्लियरली बात बताता हूं, अगर आप में से किसी को पेरेंट एज अ पेरेंटिंग कोच काम करना है तो दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना। पहला तरीका, मेरे वीडियो स्टडी करो, खुद को एक्सपर्ट घोषित करो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा तरीका, अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए तो हमारी कंपनी दूसरी वाली, गुरुकुल नहीं, सोहम लाइफ कंसल्टेंसी सर्टिफिकेट देती है 499 रुपीज में। अब मजे वाली बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा नजदीक आओ कैमरा के, मैं धीरे से बोलूंगा, थोड़ा सा नजदीक। यस, अब बात यह है, सर्टिफिकेट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान होना जरूरी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, है ना, बिकॉज आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बट आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी बुक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस ग्लोब, जो भी सिलेबसेस है, जो भी स्टडी है, मैंने स्टडी किए। कोई मुझे पूछता है तुम काउंसलर हो गया, मैं कहता हूँ नहीं। तुम साइकोलॉजी में सर्टिफाइड हो गया, मैं कहता हूँ नहीं। तो तुम ये प्रैक्टिस क्यों करते हो, मैं बोला मैं नहीं प्रैक्टिस करता। तो बोले ये क्या चल रहा है, लोग पूछते हैं मैं आंसर देता हूँ। अब कोई जवाब, सवाल पूछे तो आंसर देना तो ड्यूटी बनती है, या ना, और लोगों को अच्छा लगता है तो बार बार आते रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स, कई बार क्या होता है, कई सारे एक्सपर्ट होते हैं, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां लगा देते हैं, या ना। कल ही मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि हैप्पी टू शेयर विथ यू, एक मेरा दोस्त है, क्लासमेट है मेरा, हैप्पी टू शेयर विथ यू कि मुझे अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से PhD प्रदान होगी। मैं बोला कितने साल लगा दिए, उसने बोला 3-3.5 साल मेहनत की, बोले। अब मैंने क्या बोला पता है उसको, तेरी ये PhD का सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा होगा, खुद तुझको, क्योंकि तेरी सैलरी बढ़ेगी, बाकी तेरे रिसर्च का देश दुनिया को कुछ फायदा नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोस्ट ऑफ द MPhils, अभी तो MPhil बंद हो गया, बट PhDs आर व्हाट, पगार बढ़ाने का जरिया बन गए। पहले लोग रिसर्च करते थे ताकि कुछ अच्छा है जिससे समाज आगे बढ़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब रिसर्च करते हैं, गाइड को पटाते हैं और डिग्री लेते हैं ताकि पगार बढ़े, है ना। वो असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रोफेसर बन जाए, सीनियर प्रोफेसर बन जाए। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द PhDs आर लिटरली नॉट वेरी यूजफुल, आई वुड से, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो आगे बढ़ते हैं, एंड आई मस्ट अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कांग्रेचुलेट पूनम मैम, दिस इज अमेजिंग बिगिनिंग। मैंने भी ऐसी शुरुआत की थी, एक छोटी सी हम्बल बिगिनिंग थी, एक सोसाइटी का, हमारी सिंहगढ़ रोड पे, पूना में सिंहगढ़ रोड पे एक सोसाइटी है जहाँ पे मैं गया था,
बच्चों को गाइड करने, पेरेंट्स को गाइड करने, एंड टू माय सरप्राइज जब मुझे माइक दिया गया तो वहां आनंद नगरी खोल दी उन्होंने, यू नो आनंद नगरी, वो गोलगप्पे पानी वाला, ये इधर से कॉइन डालना है, तो वो स्टॉल ये हो रहा था, मेरे को बोले सर शुरू हो जाओ, ये लोग ना खाते खाते खेलते खेलते सुन लेंगे आपको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में, मेरा 90 मिनट का स्पीच था, है ना, बट आई वॉज सो 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 वेल प्रिपेयर्ड. 3.5 मिनट बाद, ध्यान से सुनना, 3.5 मिनट बाद सभी स्टॉल्स अपने आप रुक गए. एवरीवन वाज इन फ्रंट ऑफ मी सिटिंग इन द पार्किंग लॉट एंड लिसनिंग टू मी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सब लोग, पहले तो कस्टमर ने आके सुनना शुरू किया कि यार दिस मैन मेक्स सेंस, है ना, तो आके सुनना शुरू किया, तो फिर दुकानदारों ने भी दुकान बंद कर ली, उनको लगा 15-20 मिनट बोलेगा, तो मैं 2 घंटे के लिए कर दिया. बाद में बहुत सारे लोगों के वो गरम गरम आइटम ठंडे हो गए, तो मैंने बोला आपको बोनस दे दूंगा. बट दैट्स हाउ, एक छोटी सी हम्बल बिगिनिंग सोसाइटी के पार्किंग से. एंड आज आई विल टेल यू, महाराष्ट्र का नाम ले लो, कोई भी बड़े ऑडिटोरियम का, वहां पे मेरा स्पीच हो शायद हो गया हो कई जगह पे, यानी मैं स्वयं 2 लाख के करीब लोगों को भाषण दे चुका हूँ. एंड आई बिलीव सबसे बड़ा मंच तो यही है, जूम वाला यहाँ पे और यूट्यूब वाला, है ना. तो आप सबकी शुभकामनाओं से, मेरा यूट्यूब चैनल पेड भी है, तो मुझे उधर से भी पैसा आता है ना, तो वहां पे भी लोग सीख रहे हैं मुझसे. तो जो भी आपका उद्देश्य हो, भगवान ने भगवत गीता में कहा है 4 तरह के लोग होते हैं, कितने, हाउ मेनी, 4. भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिन अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिन अर्जुन, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपके फायदे की बात बता रहा हूं. अगर आप आर्थ हो, आर्थ मतलब क्या, ऐसी व्यक्ति जिसको जरूरत है, जरूरतमंद कहते हैं ना, तो भगवान के द्वारे पे आने वाले 4 तरह के लोग होते हैं. ध्यान से सुनना मेरी बात. पहले होते हैं आर्थ, यानी जिनको जरूरत है, तो वो भगवान से कुछ याचना करने आते हैं ना, भगवान आप तेरा ही सहारा है, बोलते ना आर्थ. फिर दूसरे कौन से, जिज्ञासु, वो देखते हैं कि यार वो कौन सा भगवान है, किस लेवल का भगवान है, बोलते ना जागृत भगवान, जागृत भगवान देवता. तो जब मैं ये बोर्ड देखता हूँ ना, जागृत देवस्थान, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे जागृत देवस्थान है ना. तो एक बार मेरे मामा जी से बहुत गालियां खाई मैंने, ऐसे एक जगह गए, गणपति, सत्य गणपति हमारे नांदेड़ के बाजू में, वहां दर्शन किए और वहां लिखा था जागृत देवस्थान. तो मैंने मामा को पूछा ये जागृत देवस्थान क्या, बोले तो यहाँ पे भगवान बोले जो भी मनोकामना तुम्हारी हो पूरी करते हैं, बोले ये जागृत है, इंस्टेंट रिजल्ट आता. तो मैं अगले मंदिर में गया, वहां पे जागृत लिखा नहीं था, तो मैंने बोला मामा जी बाबा जी क्या यहाँ पे भगवान सोए हुए और सुनते नहीं है, बोले ये भी सुनते हैं, तो यहाँ जागृत क्यों नहीं लिखा गया. तो मामा जी ने बोर्ड ठोका मेरे को, बोले ये फालतू सवाल मेरे को नहीं पूछने. तो दैट्स अ पार्ट, बट आई विल टेल यू 4 तरह के लोग होते हैं. पहले होते क्या, आर्थ, यानी जिनको जरूरतमंद है ना. दूसरे जिज्ञासु, जिनको जानना है कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे. तीसरे कौन है, अर्थार्थी, जिनको इससे कुछ फायदा भी करवाना है. तो तीसरे वाले भगवान के यहाँ जाते हैं ना, तो वो बोलते मैं नारियल दूंगा तो मेरे को ये देना है ना. और चौथे क्या होते, ज्ञानी, जिनको पता है भगवान सबसे बड़ी शक्ति है, वो समर्पण से जाते हैं, हाथ टेक के माथा टेक के आ जाते हैं, कोई नौटंकी नहीं करते वो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप भी होती है ना, हमारे लाइफ में भी ऐसे 4 तरह के लोग आते हैं. कोई जरूरतमंद होता है तो जरूरत खत्म हो गई तो नमस्ते करता है, कोई सिर्फ जानना चाहता है पूनम का क्या चल रहा है, आजकल स्टेटस रोज लगा रही है पेरेंटिंग के, है ना, तो जिज्ञासु होते. कुछ लोग अर्थार्थी, अरे बोले ये तेरा प्रोग्राम कितने में देगी, कितना डिस्काउंट, मेरा क्या फायदा है. और कुछ लोग बोलते हैं वाह वाह अप्रिशिएट, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, है ना. तो अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप इनमें से कुछ भी हो सकता है आपको पेरेंटिंग करके पैसा कमाना हो, आप कमा सकते हो सकता है आप पेरेंटिंग करके ना आपका सिर्फ ये सीख के ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, करो. हो सकता है आपको थोड़ा सा एक हायर लेवल का, यानी पहला वाला जो था अर्थ, यानी आपको आपकी जरूरतें पूरे करने के लिए बिजनेस करना है. तीसरा वाला है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस मॉडल बना के बढ़ाओ. इनफैक्ट आप सबकी जानकारी के लिए सोहम गुरुकुल हमारा सेवा का मंच है, एंड सोहम लाइफ कंसल्टेंसी हमारी कंपनी जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है. ओके, तो दोनों भी कर सकते हैं. तो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और उधर से रिटर्न आया, तो आपके पास वो भी मौका है. और आखिरी वाला ज्ञानी,
सबसे परे मेरे जैसा। अब इस मंच पे तो मैं ज्ञानी हूँ, भगवान माफ करे ज्यादा बोल दिया हूँ मैंने तो ज्ञानी मतलब क्या, जिसको सब हो गया भाई अभी सेवा करनी है वो भी कर सकते हो आप, आर यू रेडी माय पॉइंट? तो इन बातों को सीखे और आगे बढ़ाए सो दैट आपकी मदद हो और दूसरों की भी मदद हो। यस, सो थैंक यू मुझे सुनने के लिए फिर से एक बार। पूनम मैम प्राउड ऑफ यू, है ना? बाकी टीनेजर को जब सिखाता हूँ तब तो बेटा ही बोल देता हूँ, तो अभी बेटा बोलते बोलते रुक गया बट चल जाता है गुरु शिष्य के रिश्ते में ये भी चल जाएगा, है ना? यस, तो आगे बढ़ते हैं आज के ट्रेनिंग की तरफ। थैंक यू।